हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौम्या है और आज मैं लेके आई हूँ 20x50 का हाउस प्लान विद फ्रंट एलिवेशन। सो इस हाउस डिजाइन में आप देखेंगे कि आपको हाउस प्लान के साथ आपके घर का फ्रंट एलिवेशन भी मिलेगा। सो अपने हाउस प्लान को समझने के लिए हम लोग चलते हैं डिटेलिंग पे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डायमेंशन देख लेते हैं जो कि हमारी 20x50 फिट है। प्रॉपर आप अपना हाउस प्लान देख लीजिए, 20x50 यानी 1000 स्क्वायर फिट में ये बना हुआ है। अब इसको सिंपली हम डिटेल वाइज समझते हैं। सबसे पहले ये बता दूं मैं, ये ग्राउंड फ्लोर का हाउस प्लान है। सबसे पहले आपको 3 फिट 6 इंच वाइड लॉन मिलेगा, यानी अच्छा खासा आपको लॉन का एरिया मिल रहा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको पार्किंग मिलेगी। पार्किंग आपकी 10x17 फिट 9 इंच है, यानी आप एक बड़ी कार यहाँ पे इजिली पार्क कर सकते हैं। यानी पार्किंग का एरिया आपको अच्छा खासा मिल रहा है। प्लस ड्राइंग रूम यानी मास्टर बेडरूम के लिए आपके 2 रास्ते दे रखे हैं। एक तो घर की एंट्री के लिए 3.5x7 फिट का दरवाजा है और एक फ्रंट से भी यानी आपके लॉन से भी दे रखा है। गेस्ट रूम की बात करें जो कि आपका 9 फिट बाय 13 फिट 2 इंच का निकल के आ रहा है। अच्छा खासा आपका ड्राइंग रूम का एरिया मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लॉबी या डाइनिंग एरिया आपका मिल रहा है। ये आपकी ओपनिंग है जो कि 6 फिट चौड़ी है। लॉबी की बात करें जो कि आपको 12 फिट 11 इंच बाय 9 फिट 9 इंच, वही आपको 13x9 फिट 9 इंच की मिल रही है। सो आपको अच्छा खासा डाइनिंग एरिया मिल रहा है। प्लस फ्रंट में ही आपके किचन है। किचन आपका 6x9 फिट 9 इंच का है। अच्छा किचन मिल रहा है, लंबाई में थोड़ा ज्यादा है, चौड़ाई में कम है। प्रॉपर वेंटिलेशन आपके किचन का फ्रंट से हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा ओटीएस दे रखा है। ओटीएस का साइज हमारा है 3x2 फिट। अच्छा खासा ओटीएस का भी एरिया मिल रहा है। यहाँ पे आप एक वॉश बेसिन इजिली सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो हमारा बेडरूम है इनसे दोनों से अटैच वॉशरूम है। पहले वॉशरूम, पहले बेडरूम की बात करें तो बेडरूम 01 9 फिट 6 इंच बाय 12 फिट 1 इंच का है। अच्छा एरिया निकल रहा है। प्लस यहाँ पे ये मैंने एक कॉमन वॉशरूम दे रखा जो कि 6x6 का है। दूसरी चीज, इस बेडरूम 01 के प्रॉपर वेंटिलेशन हमारा ओटीएस से हो रहा। ओटीएस यहाँ पे आप देखेंगे 3 फिट 2 इंच बाय 6 फिट 6 इंच का है। इस ओटीएस को यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 फिट का दरवाजा और 2 फिट की विंडो के लिए जगह भी दे रखी है। बेडरूम 02 की बात करें जो कि आपका 9x14 फिट 6 इंच का, यानी कि काफी अच्छा बेडरूम निकल रहा है। प्लस इसके साथ जो अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा वो 5 फिट 6 इंच बाय 6 फिट 6 इंच का है। ये आपका पोर्शन अच्छा खासा निकल के आ रहा है। प्लस बैक साइड जो आपका बैकयार्ड है वहां से आपके वॉशरूम, बेडरूम एंड बेडरूम 01 का प्रॉपर वेंटिलेशन बना है। सो ये है आपका 20x50 का ग्राउंड फ्लोर हाउस प्लान। आशा करती हूँ आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझ में आई और आपके लिए काफी यूजफुल है। अब आते हैं इसके हम फ्रंट एलिवेशन पे, यानी कि हमारा जो घर का ये डिजाइन है वो फ्रंट से देखने में कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये आपके घर का फ्रंट एलिवेशन है जो कि 20 फिट चौड़ा है। एक्चुअल में बनने के बाद ये कैसा दिख रहा है या जो एक्चुअल में वर्किंग है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सिंपल हाउस प्लान है, कम बजट में आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। सो अपनी वर्किंग फ्रंट एलिवेशन की हाउस डिजाइन को देखते हैं।